हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका रेलवे हमारा है जीएसए क्लास में, ग्रुप डी प्लस आरपीएफ। अब तैयारी होगी साथ में, इसलिए तैयारी साथ में। ग्रुप डी जिनका खत्म, उनको लगता है अब करें क्या, अब तो पेपर हो गया, लेकिन फिर से मौका मिला है आरपीएफ का। आ रही बातें समझ में? और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर कई सारे एग्जाम लगे हैं बैक टू बैक। और एक और खुशखबरी, एमटीएस की भी वैकेंसी आएंगी नई, क्योंकि सरकार ने अनाउंस कर दिया कि एमटीएस की भी वैकेंसी 2019 में जल्द आएंगी। तो भाई कुछ भी करें, जनरल स्टडीज का साथ नहीं छूटना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्शनल, पीओ का, बैंक की यानी आईबीपीएस की, जीएस आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन, और आज देखते हैं कौन बनेगा किंग। किंग इन द सेंस कि 20 क्वेश्चन में किनके कितने राइट होंगे, कितने सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। चलो बताओ क्या होगा। हु ओन नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2018, 2018 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? फ्रांसिस एच अर्नाल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, सर जॉर्ज पी विंटर, या सॉरी ग्रेगरी पी विंटर, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। हाँ, सो परेशान मत हो, एमटीएस की वैकेंसी 2019 में आएगी। जैसे ही कुछ नोटिस मिलेगा हम आपके सामने खुद ब खुद वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपसे कहीं ज्यादा हम लोग बेचैन है कि कम से कम जो हम लोगों का मोटिव था 2018 सिलेक्शन ईयर, 2018 सिलेक्शन का वर्ष, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2018 पास कर रहा है ना। चलो उपरोक्त सभी, बहुत बढ़िया। कल हमने देखा फिजिक्स के बारे में, आज देखें केमिस्ट्री के बारे में। रेगुलर डे टू डे नोबेल अवार्ड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे, और आज के ज्ञान के रूप में पहले ही बता चुके हैं नोबेल अवार्ड किन किन को मिला है। नोबेल प्राइज 2018 केमिस्ट्री की बात करें, विजेता कौन? अर्नाल्ड, स्मिथ, विंटर। कैसे याद रखें? जैसे क्वेश्चन है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दैट मीन अर्नाल्ड स्मिथ विंटर, अर्नाल्ड स्मिथ विंटर, अर्नाल्ड स्मिथ विंटर को 2018 का केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है, दो यूएसए से और एक यूके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल्स इज, जीवाश्मों के सबसे उपयुक्त स्रोत हैं? बिसाल्ट, ग्रेनाइट, लावा या सेडिमेंट्री अवसादी। चलो बताओ क्या होगा, जीवाश्मों के सबसे उपयुक्त स्रोत क्या हैं? बिसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, लावा या सेडिमेंट्री अवसादी। चलिए क्या होगा, लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4, ईशानी जी ने कहा ऑप्शन नंबर 4, अरुण कुमार ने कहा 3, रोहित ने कहा सेडिमेंट्री, बहुत बढ़िया। चलो देखी ले, औषादी चट्टान, समझना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल्स, औषादी यानी जो जमा है डिपोजिशन के रूप में, जो डिपोजिशन के रूप में जमा है, जमा होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है रॉक्स में, वही सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स धन्य माना जाता है किसके लिए? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होंगे कहां पाए जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे, इसलिए इसे फ्यूल्स रॉक भी कहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, विश्व सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर या 21 नवंबर, 21 नवंबर। हाँ नरेंद्र यादव जी, परतदार चट्टान भी कह सकते हैं, है ना। चलिए बताइए क्या होगा कि विश्व सेना दिवस, सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर, 14 नवंबर डायबिटीज डे और बाल दिवस, चिल्ड्रन डे। बचा 19 और 21, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो हमारा जो
मंत्र है 1 × 4, यानी एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का जवाब निकालें। वर्ल्ड सर्विस डे विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को, वर्ल्ड सिटीजन डे 19 नवंबर और वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। टेलीविजन जेएल बेयर्ड, जिसमें प्राइमरी कलर कौन होगा? RBG, रेड ब्लू और ग्रीन, जिसके रिमोट में विजिबल रेडिएशन, ठीक है, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, सॉरी, यानी रिमोट, टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड कार्य करता है। देखिए आकाश सांघवी जी कह रहे सर आप रिप्लाई नहीं देते। भाई ये समझना, अगर मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई दूं तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं पाएंगे सर। इस कारण से सेशन को बेटर करने के लिए, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन बताने के लिए रिप्लाई कर नहीं पाते आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, निम्न में से कौन भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन है? ट्रेन 25, 47, 51, 18। देखिए रोहित दुबे जी ने एक और क्वेश्चन कर दिया, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ मलिक जी, इंफ्रारेड होता है, आई नो, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा कि निम्न में से कौन भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन है? ट्रेन 18, ट्रेन 51, ट्रेन 47 और ट्रेन 25, ट्रेन 18। 18 नाम क्यों रखा? 18 दिन में कंप्लीट किया गया इसे, इस कारण से नाम क्या रखा गया? ट्रेन 18। अब देखो ये है इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन। अब सोच रहे होंगे कई लोग कि सर इंजन नहीं है तो चलेगा कैसे? जितने कोच हैं, जितने कोच होंगे ना, पैसेंजर कोच, उसके नीचे यहां पे इंजन लगी है और जो फुली, कुछ नहीं करना है, सब सॉफ्टवेयर से चलेगा, सब सॉफ्टवेयर से चलेगा, से समझ लें। भारतीय रेलवे की 30 साल पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान लेने वाली ट्रेन 18 आगामी 29 अक्टूबर को पटरियों पर परीक्षण के लिए उतरेगी। यह देश की पहली इंजन रहित ट्रेन होगी। कैसे वर्क करेगा? सेल्फ प्रपल्सन मॉड्यूल पर, हो सकता है आपके आने वाले पेपर में क्वेश्चन रहे, सेल्फ प्रपल्सन मॉड्यूल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चल सकती है। इसकी तकनीकी विशेषताओं के चलते इसकी गति सामान्य ट्रेन से अधिक होगी। कुल 16 कोच होगा जो सामान्य शताब्दी ट्रेन के मुकाबले कम वक्त लेगी। इस ट्रेन को शहर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा 18 महीने में विकसित किया गया है। फीचर्स क्या है इसकी, खासियत क्या है? देश की पहली इंजन रहित ट्रेन किसकी जगह लेगी? शताब्दी एक्सप्रेस, जो 1984-85 में उद्घाटन हुआ, शताब्दी एक्सप्रेस का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। गति के मुताबिक अगर पटरी बना ली जाए तो यह शताब्दी से 15% कम समय लेगी। GPS लगेगा इसमें और अलहदा तरह की लाइट, ऑटोमेटिक दरवाजे, CCTV कैमरे लगे होंगे, ठीक है। अरे बातें समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े एक ही समूह से संबंधित हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गैलियम, हीलियम, बोरॉन और बेरिलियम। जो आपके सामने ऑप्शन है 4, कौन से जोड़े एक ही समूह से संबंधित हैं? हाँ कुमार कौशल जी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, बहुत बढ़िया। कौन से जोड़े एक ही समूह से संबंधित हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो देखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के जरिए, पीरियोडिक टेबल आवर सारणी में से क्लियर करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले कहा ये ऑप्शन रहा नाइट्रोजन और फास्फोरस, ग्रुप नंबर 15 ये एक नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, फास्फोरस
15 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 और फास्फोरस 30। ऑप्शन नंबर टू में क्या था? मैग्नीशियम और अल्यूमिनियम। मैग्नीशियम कहां? तो मैग्नीशियम को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसका 12 एटॉमिक नंबर ग्रुप 2, और एल्यूमिनियम की बात करें तो ग्रुप 13। समझना, ग्रुप 13 और इसका एटॉमिक नंबर 13, मास 26। ठीक है, अरे बात समझ में। चलो अब देखो, ऑप्शन नंबर थ्री था। ऑप्शन नंबर थ्री तो बात करें, गैलियम और हीलियम। गैलियम भी 13 में, हीलियम आवर सारणी के ग्रुप 18 में, जो हल्की गैस है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फोर, बोरॉन और बेरिलियम। बोरॉन अल्कली अर्थ मेटल, जिसका एटॉमिक नंबर 4, 9 भार, और बोरॉन का 13 नंबर में इंक्लूड है, जो 5 होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अरे बातें समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर, क्षार धातुओं के धात्विक गुण क्या होंगे? इंक्रीज डाउन द ग्रुप, समूह के नीचे बढ़ेगा। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, समूह के नीचे घटेगा। नो रेगुलर ट्रेंड, कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं। एज इट इज, जैसे मन चाहे वैसे रहेगा, या रिमेन द सेम, एक समान रहेगा। चलिए, अरुण कुमार प्रजापति जी ने कहा, सर नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्षार धातुओं के धात्विक गुण क्या होंगे? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा जवाब इसका। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, समूह के नीचे इसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, चेंजेज होगा। अब देखो, ये हो गया अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब क्या होगा, सब में प्लस होगा, सब बढ़ेगा। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम, है ना, अरे वास्तव में ये सब नीचे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन टेंपल अमृतसर इज इंडिया, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का क्या है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, लार्जेस्ट गुरुद्वारा, ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, सबसे पुराना गुरुद्वारा, दोनों है, या कोई भी नहीं है? चलिए कमेंट बॉक्स में मैं जवाब चाहूंगा, क्विकली जल्दी बताइए क्या होगा गोल्डन टेंपल, क्योंकि अमृतसर जाओगे तो गोल्डन टेंपल के बगल में ही जालियांवाला बाग है, जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, बैसाखी के दिन। बोथ एंड बी, कई लोग कह रहे हैं बोथ एंड बी, बोथ एंड बी। चलो देखो किनका सही है किनका गलत है, किनका सही है किनका गलत है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा, सबसे बड़ा लंगर लगता है यहां, सबसे बड़ी लंगर, कभी अगर मौका मिले गाइस तो जरूर जाना, बहुत मन को सुकून मिलेगा। ठीक है, और अगर जो अमृतसर वाले होंगे हमारे बंधु भाई फ्रेंड्स स्टूडेंट, उनको तो पता ही है सारी, है ना, और अब हाल फिलहाल में घटना घटी अमृतसर में। चलिए कमेंट बॉक्स में जरा बताएं कि जो अमृतसर में घटना घटी है वो ट्रेन कौन सी ट्रेन थी और किस दिन घटना घटी। समझना, हाल फिलहाल में अमृतसर में घटना घटा है, वो घटना की डेट क्या थी और ट्रेन कौन सी थी। ओल्डेस्ट गुरुद्वारा दिल्ली, चलो ये गोल्डन टेंपल दर्शन करें, गोल्डन टेंपल का नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि गोल्डन टेंपल से और क्वेश्चन क्या बनेगा, गोल्डन टेंपल से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो और क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले एक तालाब, जैसे जाएंगे आप पांव अपना धोएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि अमृतसर में जो सरोवर है, जो सरोवर है ये किसने बनाया इसको, डेमू ट्रेन, जालंधर एक्सप्रेस, भैया दशहरे वाले दिन नहीं, डेट बताओ, दशहरे वाले दिन कह दे रहो, अब एग्जाम में दशहरे वाले दिन लेके जाओगे, 19th of October, और जालंधर मेमू ट्रेन थी, है ना, बहुत बने, क्यों देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है डेट पूछ दे, हो सकता है ट्रेन का
जर्नी पूछ दे कहां से कहां सफर कर रही थी, तो कम से कम ना अपने आंख नाक कान खोल के रखना होगा, जो हमारा ज्ञान इंद्रियां जिसको कहते हैं सेंस ऑर्गेन। अब देखो, अमृतसर लिटरली द टैंक ऑफ नेक्टर ऑफ इमोर्टली, यानी अमृतसर शाब्दिक रूप से अमरता का, अमृत की सरोवर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1577 में चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने की थी। क्या क्वेश्चन आएगा कि अमृतसर में जो सरोवर है उसकी स्थापना किसने की? गुरु रामदास, जो चौथे गुरु थे। जमीन कौन दिया? अकबर ने जमीन दिया था इन, अकबर ने जमीन दान में दिया था। ठीक है, तो अमृतसर की स्थापना जो है नहीं, और उसी के नाम पर अमृतसर रहा है, उसी के नाम पर अमृतसर का नाम पड़ा है, अमृतसर सरोवर। तो कह सकते हैं अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की, लेकिन अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वो डिजाइनिंग करी गई पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव या अर्जुन देव, जिसे हरमिंदर साहब कहा जाता है, और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथी आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया है। गुरु अर्जुन देव को फांसी पे किसने लटकाया? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स? लेजर के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है? एक्सीमर लेजर, डाई लेजर, या सेमीकंडक्टर लेजर, या गैस लेजर? चलिए, शांत देखिए, सानू गौतम ने कहा सर पठानकोट से अमृतसर जा रही थी ट्रेन। बहुत सही, चलो बताओ क्या होगा कि किस प्रकार के प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार का लेजर इस्तेमाल होता है? सेमीकंडक्टर। क्या होगा? सेमीकंडक्टर। अरे बात समझ में, सेमीकंडक्टर। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए सेमीकंडक्टर के रूप में किन दो मेटल का यूज करते हैं हम लोग, मेटल नॉन मेटल यानी एलिमेंट कहते हैं, कौन से एलिमेंट का यूज सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरा बताएं टाइप करके। द लेजर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, आई बात समझ, और समझना फुल फॉर्म ऑफ लेजर क्या होगा। फुल फॉर्म ऑफ लेजर क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हो गया लेजर का फुल फॉर्म। जर्मेनियम और सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, लेजर की खोज किसके द्वारा की गई? तो पहला लेजर की खोज ये एएलपी के पेपर में पूछा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में, कि लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पहला लेजर का आविष्कार थियोडोर एच मेमन द्वारा ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज में 1960 में बनाया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाइए, हमें देखना है कि जहां हम स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, वहां भरपूर नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे काम की चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अभी क्वेश्चन था लेजर का यूज कहां कहां करते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, लेजर का प्रयोग सबसे पहले सीडी और डीवीडी रोम में, बार कोड स्कैनर में भी लेजर का यूज किया जाता है, इसके बाद इन डिवाइसेस यूज्ड फॉर अलाइनमेंट, कटिंग, सोल्डरिंग, ड्रिलिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, वेल्डिंग इत्यादि में भी लेजर का यूज करते हैं। इसके अलावा की बात करें तो परमाणु संलयन रिएक्टरों के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और कहां, मेडिकल इक्विपमेंट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में भी, दंत चिकित्सा, कॉस्मेटिक उपचार आदि के लिए भी लेजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐसे समझ लो, स्टोन हो गया पेट में, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो लेजर के जरिए उसे पेट में ही तोड़ा जा सकता है। इन मिलिट्री इक्विपमेंट लाइक एंटी मिसाइल डिवाइसेस, सैन्य मिसाइल हथियारों जैसे सैन्य उपकरणों में, और जो आपका क्वेश्चन था कि लेजर प्रिंटर में भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
विच प्रोटीन जेनरेट्स एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बींग, निम्न में से कौन सा प्रोटीन मानव शरीर में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है? फाइब्रिनोजेन, हेपरिन, हीमोग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन या फाइब्रिनोजेन? किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट। चलिए, राजेश राजन चौहान जी ने कहा सर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हो, बहुत बढ़िया। भाई देखो, बात वही जो समझ में आवे, बात वही जो समझ में आवे। एक मूवी आई थी ना, या वही जो मन को भावे, तो वही बात वही जो समझ में आवे, दैट मीन्स वैसे ही बताओ जो समझ में आए। मान लो हम देख रहे हैं वीडियो और समझ में ही ना आए तो पढ़ाने से क्या फायदा, कम पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो इम्यूनोग्लोबुलिन, अब समझना, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इसी इम्यून सिस्टम से इम्यूनोग्लोबुलिन निकला है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, हेपरिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। अब देखो ये चारों के चारों प्रोटीन है। क्वेश्चन आता है फाइब्रिनोजेन क्या है प्रोटीन, हेपरिन क्या है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है प्रोटीन, सब के सब क्या है प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन का काम क्लॉटिंग बॉडी के बाहर, हेपरिन का काम क्लॉटिंग बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन का काम ब्लड का क्या करना, रेड, इसी कारण होता है ना। यानी हीमोग्लोबिन में दो चीज है, एक हिमैटिन, हिमैटिन क्या, आयरन कंपाउंड, और इसी के कमी से एनीमिया नामक डिजीज होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। गगनजीत भुल्लर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? गगनजीत भुल्लर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ, शतरंज, शूटिंग या बैडमिंटन? चलिए, गगनजीत भुल्लर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? शूटिंग कई लोग कह रहे हैं, गोल्फ, चलो बहुत सही सर, देखो गोल्फ है। ठीक है, समझना, इनका जन्म अमृतसर यानी पंजाबी है, पंजाब, और 2013 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? पंजाब से। किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से हैं। शतरंज, 64 खाने होते हैं शतरंज में, और जिसका उद्गम कहां हुआ है? इंडिया में, भारत में। गोल्फ का एक मशहूर प्लेयर की बात कर लें, चर्चा करें कि गोल्फ के रिलेट, गोल्फ से संबंधित एक प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में जरा बताएं, गोल्फ से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे? जीव, मिल्खा सिंह। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इथियोपिया? कौन इथियोपिया के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, इस्माइल उमर गुले, सेहल वर्क जेवदा, इसाइस अफवर्की। हाँ, टाइगर वुड भी है। अरे अशोक पंडित जी करें मेजर ध्यानचंद भैया, हॉकी के हैं वो। चलो बताओ क्या होगा, सेहल वर्क जेवदा। कई लोग तो कह रहे हैं भैया ऑप्शन 3, मानना पड़ेगा सही है। देखिए सेहल वर्क जेवदा की बात कर लेना, तो इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति है ये, पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये चारों कौन है भैया? चारों कहीं ना कहीं से रिलेट है। अब देखो सोचना कि ये चार राष्ट्रपति का नाम आखिर आपके सामने क्या सोच कर रखा, कितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे। पहले मैं समझा दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
सबसे पहले जिबूती, प्रेसिडेंट इस्माइल उमर गुले, कैपिटल जिबूती, करेंसी जिबूती फ्रैंक। इरिट्रिया, इसाइस अफवर्की, प्रेसिडेंट अस्मारा, कैपिटल इरिट्रिया नाकफा। यानी कंट्री, प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी, ये दो कंट्री हो गया। इथोपिया जो क्वेश्चन था, सेहेल वर्क जेवदा, अदिस अबाबा, कैपिटल इथोपियाई बिर, करेंसी। सोमालिया, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, कैपिटल मोगदिशु, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, यूएस डॉलर और सोमाली सिलिंग भी चलता है। तो ये था करेंसी, कैपिटल, प्रेसिडेंट और कंट्री। लेकिन ये चार ही कंट्री क्यों, चार कंट्री ही क्यों, दूसरी कंट्री क्यों नहीं रखा? देखिए ये मैप आपके सामने है, जिसको हम लोग बोलते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देख रहे हो रैनो की जैसा बना हुआ, ये निकला हुआ है ना, ये एकदम ये वाली पोर्शन रैनो की तरह बना हुआ है। ये इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी कंटिनेंट में, अफ्रीकी महादेश में। ये देखो अफ्रीका महादेश, ये वाली, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन रहता है इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज अ पेनिनसुला इन ईस्ट अफ्रीका। अफ्रीका का हॉर्न पूर्वी अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है, समझना। दिस एरिया इज ईस्टर्न मोस्ट प्रोजेक्शन द अफ्रीकन कंटिनेंट। यह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी प्रक्षेपण है। अब देख लो ये पूर्वी प्रक्षेपण है ना, पूरब की ओर निकला हुआ। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डिनोट्स द रीजन कंटेनिंग द कंट्रीज ऑफ जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सही नहीं है? द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। मैडम भिक्काजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। मैडम भिक्काजी कामा द्वारा विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग, चलिए क्या होगा? साधना गुप्ता जी ने कहा 4, कई लोग कह रहे हैं 4। चले देखा ले, एक लोग कह रहे हैं 4 तो चल पड़ा 4, बहुत सही। क्यों 4 होगा? 3:2 है तो यहां क्या होगा, L:B, लंबाई चौड़ाई। यहां क्या दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई, तब यहां क्या होता, 2:3 होता। नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, यह सही है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, यह भी सही है। और सबसे पहले मैडम भिक्काजी कामा ने बाहर में झंडा फहराया था, यानी कह सकते हैं ये देखो, ऑन अगस्त 22, 1907, कब, 22 अगस्त 1907 को मैडम भिक्काजी कामा जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ट में विदेशी मिट्टी पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग इज 3:2। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मुगल चित्रकला डैश के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। जहांगीर, बाबर, अकबर, शाहजहां। चलिए प्रियेश सिंह जी आपका नाम बोल दिया है ना, चलो बताओ क्या होगा। चलिए आर्ट ऑफ फ्लैग, वैक्सिलोग्राफी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में
जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग कहा जाता था। जहांगीर का कहना था कि अगर कोई हमारे चित्रकार कोई चित्र में आंख बनाए, होठ कोई और बनाए, एब्रो कोई और बनाए, तो हम डेफिनेटली पहचान सकते हैं कौन कौन सा चित्रकार क्या बनाया। अरे बात समझ में। अकबर के समय को हिंदी का स्वर्ण युग, शाहजहां के समय को आर्किटेक्चर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। बाबर फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था? सारंगी, सरोद, सितार, वीणा। चलिए, अमीर खुसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया? सितार। चलो, यानी सितार और तबला का आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो को भारत का तोता, भारत का तोता भी कहा जाता है, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, निकल कर आए थे बलबन के समय, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश का एटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, अरे बात समझ में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर रोट जनगण मन फर्स्ट टाइम इन संस्कृत इन 1905 कांग्रेस सेशन इन बनारस, प्रेसाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए, बताओ क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब ये देख लो कौन सही नहीं होगा। लोग कह रहे हैं फोर फोर, मैक्सिमम लोग फोर कह रहे हैं। क्या वाकई में फोर है? थ्री है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ये है गलत, कहाँ है ये गलत है, क्यों? अब लोग क्या कहेंगे पता है? सर मैंने ध्यान नहीं दिया। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनगणमन बंगाली में लिखा था, बंगाली भाषा में। मैंने करा क्या, संस्कृत लिख के लाया यहां, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम बंकिम चंद चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय। तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थ्री इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? माइक्रोपस, माइक्रोप्रोडिडे, कैपरा, हिरकस, फैलिस, कैटस, हिप्पोकैम्पस। भैया गूगली कुछ नहीं होता है सर। आप देखो क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, समय दो, क्योंकि देखो हमारा मोटिव है सिलेक्शन, ना कि केबीसी खेलना। 2020 खेलते नहीं है, हमारा मोटिव क्या है? सिलेक्शन। ठीक है, यानी सिलेक्शन के लिए हमें थोड़ी सी समय, देखिए इसीलिए हम पता है टाइमर लेकर नहीं आते हैं, कि टाइमर रहेगा झुटमुट दिमाग पे का स्ट्राइक करेगा। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समय दीजिए और सही जवाब दीजिए।
ऑप्शन नंबर फोर हिप्पोकैम्पस, क्या होगा? हिप्पोकैम्पस इज राइट आंसर। अब ये बताओ ये किसका, ये बिल्ली कैटस, अरे भैया निकालो ना, कैट है कैटस, कैपरा हिरकस, गॉट बकरी। देखो पहला ऑप्शन मैक्रोपस मैक्रोप्रोडिडे कंगारू कैंगरू, फैलिस कैटस बिल्ली, कैपरा हिरकस गॉट, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स समुद्री घोड़ा। एक चीज याद रखना, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, और समुद्री घोड़ा की तरह भारत का एक राज्य छत्तीसगढ़ का मैप है, नक्शा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है, जिनेवा न्यूयॉर्क पेरिस टोक्यो। चलिए अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ना टाइप करके बताइएगा जरूर सर, अच्छे तरीके से क्लियर है और समझ में भी आ रहा है तो कम से कम काला टीका ना सही लाइक पे टिक तो कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में काला टीका जो है डिसलाइक करें, तभी तो पता चले ना कि जो आपके लिए बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है, जो फर्जी में टाइम दे रहे हैं, ठीक। चलो आ रही बातें समझ में, बहुत सही। कई लोगों को लगेगा न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है, लेकिन भैया यहां यूनिवर्सिटी की बात किया, विश्वविद्यालय की बात किया, तो कहां है ये, टोक्यो में, कहां है, टोक्यो में। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई, द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1973, 1973 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक और शोध शाखा है, रिसर्च सेंटर है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन सिबुआ टोक्यो जापान। कहां, सिबुआ टोक्यो जापान में है। अरे बातें समझ में। अब देखो हेड इसका चीफ कौन होगा, जैसे देखो अगर यूएन की महासेक्रेटरी की बात करेंगे एंटोनियो गुटारेस, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के जो हेड होंगे वो डेविड एम मालोन, और 2010 से यूएन यू को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डिग्री देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कि अब क्या करेंगे, ये डिग्री भी प्रोवाइड करेंगे जैसा हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। आगे देखो, अब थोड़ी सी हम लोग जल्दी में देख लेते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, कहां, न्यूयॉर्क में किया गया, हेडक्वार्टर कहां इसका, न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी, भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक देश सदस्य है, संस्थापक सदस्य है इसका, ठीक है। वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं, 193वां कौन, दक्षिणी सूडान, 192वां कौन, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर, ठीक है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखिए एक तरफ है बुक, एक तरफ है बुक्स, और दूसरे तरफ है राइटर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री महात्मा गांधी, विश्व इतिहास की झलक गांधी जी, द नेमसेक झुंपा लाहिड़ी, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, द अलजेब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय, अनंत न्याय का बीज गणित अरुंधति राय, इसने क्या लिखा। चलिए बताइए क्या होगा, कौन सा सत्य नहीं है। अजय चौधरी जी, अब देखो आरपीएफ की डेट क्लियर नहीं आई है, जैसे डेट क्लियर आएगा ना हम एकदम आपको इंटीमेट करेंगे, परेशान ना हो। देखिए ऑप्शन वन इज रॉन्ग, क्यों, यहां पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
नेहरू जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी है, भारत एक खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन करेंसी प्रिंटिंग इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। भारतीय मुद्रा मुद्रण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नासिक, सालबोनी, औरंगाबाद, देवास। अब ये रहा ऑप्शन, इधर आ जाए, केवल ए और डी, ए बी सी, ए बी एंड डी या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कुमार कौशल जी, अरुंधति रॉय। बहुत बढ़िया, भाई देखो जो करेंसी प्रिंटिंग इंस्टीट्यूशन है भारत में चार है, तो ये औरंगाबाद नहीं है। चौथा कौन? एम4 मैसूर। देयर आर करेंटली फोर प्रिंटिंग प्रेसेस इन इंडिया वेयर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड। भारत में वर्तमान में चार प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां मुद्रा नोट मुद्रित होते हैं। कहां? देवास, सालबोनी, नासिक, मैसूर। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया नोट की, ये भी बता दो सिक्का कहां ढलता है, कहां बनता है टकसाल, मिंट, चलो उसकी भी देखें। फर्दर देयर आर फोर मिंट्स वेयर क्वाइंस आर मिंटेड। इसके अलावा चार टकसालें हैं भारत में जहां सिक्के ढाले जाते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। चार मिंट हो गया, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा। इसके अलावा एक होशंगाबाद जो कई बार क्वेश्चन रहता है। सिक्योरिटी पेपर मिल भारत में कहां? होशंगाबाद, एमपी, मध्य प्रदेश में है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा यहीं, जिसमें 45% क्या होता है? प्रोटीन होता है। पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में की गई थी, बैंक नोट्स की कागजात बनाने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, विच बैंक गिव्स द लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स। कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक, रूरल बैंक, नबार्ड या एसबीआई। देखो भाई कोई गुप्ता जी हैं वो एसएससी जीडी का टाइम पूछ रहे हैं, उनको बता दो एमडब्ल्यूएफ में हम लोग एक ऐसा ऑल इन वन जीएस लेकर आते हैं जो काफी बेनिफिट है, आपको भी लगता है तो जरा जो अटेंड करते हैं एमडब्ल्यूएफ में जरा कमेंट बॉक्स में यस कहें सर, हाँ अटेंड करते हैं, वाकई हमारे लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। चलो, नबार्ड किसानों को दीर्घकालीन ऋण देता है, तो जरा नबार्ड के बारे में देखें कि नबार्ड है क्या। नबार्ड की फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड वाज एस्टेब्लिश। अब एक और क्वेश्चन और, नबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पर? बी शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर। बी शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई, कब हुआ? 12 जुलाई 1982। बहुत बढ़िया, कई बच्चे कह रहे हैं यस सर ज्वाइन करते हैं, है ना, प्रॉफिट फ्रूटफुल। चलिए, हेडक्वार्टर कहां है इसकी? मुंबई। चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। एक जो नया चीज आपके सामने दिख रहा होगा, द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नबार्ड वाज 100 करोड़। नबार्ड का प्रारंभिक जो कोष था, पूंजी कहें कैपिटल कहें, 100 करोड़ रुपया था। ठीक है, चलो टाइम क्या है राजेश कुमार महतो जी? एमडब्ल्यूएफ की टाइमिंग 4 to 5, 4 से 5। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और ऐसे भी देख लो आप यूट्यूब पे जाओगे, आपका जो फेवरेट चैनल महिंद्रा गुरु पे कई सारे वीडियो लगे होंगे, आप वीडियो को जाइए सर्च करिए ऑल इन वन करके। ठीक है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट? केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीबी भोसले, आर सुभाष रेड्डी, ऋषिकेश रॉय, रामलिंगम सुधाकर। याद होगा कल हमने चार हाई कोर्ट देखा, आज हम लोग फिर चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखेंगे, 8 बचा, कितना? 24 - 8 बचा 16। हम लोग लगभग सारा हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस कंप्लीट। कहां से क्वेश्चन आएगा रेलवे में? लगभग लगभग सेक्टर तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं, है ना।
चलिए। हाँ शिव प्रताप जी, बैंकों का बैंक है, ये नाबार्ड रूरल बैंक को देती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, तो किसको देगी? ऋषिकेश तुरवाय। कई लोगों को लगेगा सर रामलिंगम, भैया ऐसा नहीं है, केरल है तो जरूरी है ऐसा नाम होगा, नहीं ना, ट्रांसफर होता रहता है ना, क्योंकि जजों की नियुक्ति कौन करेगा? जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल के सिफारिश, राज्यपाल से सलाह मशवरा करके, ठीक है? तो ऋषिकेश तुरवाय इज चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। अब ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बच्चे गलती मार के आएंगे। अलाहाबाद हाई कोर्ट, डीबी भोसले, गुजरात डी सुभाष रेड्डी, केरल ऋषिकेश रॉय, मणिपुर रामलिंगन सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुंबई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई मुंबई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, या सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए मनप्रीत कौर कह रही थ्री और तेरी, यानी ऐसे ही रेलवे खेल खेल रहा है आपके साथ। चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4, क्यों? सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है, मुंबई नहीं। तो हमने अब तक देखा इंटरनेशनल जितने भी हैं उसके हेडक्वार्टर, और आज से हम लोग देखें नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो आज देखते हैं मुंबई किसका किसका मुख्यालय है, मुंबई किसका किसका मुख्यालय है। सबसे पहले क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुंबई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुंबई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, समेरा दैट मीन्स स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, इसकी भी हेडक्वार्टर मुंबई है, और सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी भी हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, केयर यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड मुंबई, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, इसके अलावा एक विश्व विज्ञान संस्थान टॉक्सिकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, इसकी भी हेडक्वार्टर मुंबई है। तो आज यहीं तक, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर टाइप के बताना। एक चीज और, कल यूपीपीएससी प्री का पेपर है, जिनका जिनका पेपर है कल, हमारा बेस्ट विशेष है ना, और जिनका पेपर नहीं है वो आराम से स्टडी करिए, कल संडे है, भरपूर समय मिलेगा रिवीजन करने का, और मिलेंगे मंडे को फिर से ऑल इन वन जीएस के साथ और आपके रेलवे के क्लास के साथ। तब तक के लिए इंजॉय करें, और जो नए मेंबर जुड़े हैं सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आए और टाइम टू टाइम आपको क्लास प्रोवाइड कराएं कि कब कौन सी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए, ओके बाय, थैंक यू।